ग्वालियर में मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब का कारोबार करने वाले कंजरों के एक ठिकाने पर घाटीगांव पुलिस व आबकारी विभाग ने छापामार कार्यवाही की है, जहां हजारों लीटर गुड़ लहान सहित कच्ची हाथ भट्टी शराब बरामद की है, जिसे मौके पर ही सैंपल लेकर पुलिस और आबकारी विभाग ने नष्ट कर दिया। लेकिन पुलिस की खबर लगते ही मौका पाकर आरोपी फरार हो गए हैं। फिलहाल आबकारी विभाग ने आबकारी अधिनियम के तहत के एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर पनिहार थाना क्षेत्र स्थित तिघरा गांव की पहाड़ी पर कंजरों के डेरों पर छापामारी कार्यवाही की है। घाटीगांव एसडीओपी घाटीगांव संतोष पटेल और आबकारी विभाग को 22 लाख रुपए कीमत का 40,000 लीटर गुड़ लहान और 6,50,000 रुपए की 5,000 लीटर कच्ची हाथ भट्टी शराब सहित ड्रम, पानी की मोटर और शराब बनाने की भट्टियां बरामद की, जिसे मौके पर सैंपल लेकर नष्ट कर दिया गया। इसके साथ आबकारी विभाग को अवैध शराब बनाने वाला सामान मिला है। वहीं आबकारी विभाग के पहुंचने की खबर लगते ही मौका पाकर आरोपी भागने में सफल हो गए। फिलहाल आबकारी विभाग ने आबकारी अधिनियम के तहत एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। घाटीगांव एसडीओपी संतोष पटेल व आबकारी विभाग के एसआई मनीष द्विवेदी ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि पनिहार थाना क्षेत्र स्थित तिघरा गांव की पहाड़ी पर कंजरों के डेरों पर अवैध तरीके से शराब बनाई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग और पनिहार थाने की टीम बनाकर तिघरा गांव पहुंचकर एक ठिकाने पर दबिश की कार्यवाही की गई है। दबिश में हजारों लीटर गुड़ लहान मिला है, जिसकी कीमत 22 लाख रुपए है, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है। वहीं मौका पाकर आरोपी फरार हो गए हैं, जिनके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। एक्साइज के 8 जिलों के अधिकारी, फॉरेस्ट, रेवेन्यू और पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ है, जिसमें लगभग 27 लाख रुपए की मदिरा और लहान जब्त किया गया और नष्ट किया गया। अभी जब टीम्स पहुंची हमारी तो सारे कंजर चूंकि ऊंचाई पे लोकेटेड हैं, वो तो देख लेते हैं गाड़ी और वो फरार हो चुके हैं, इस पर कार्रवाई की जाए।